हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम निसिम एजिकियल की एक पोएम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द प्रोफेसर। निसिम एजिकियल एक इंडियन ज्यूइश पोएट, प्लेराइट एंड क्रिटिक थे। वो अपनी पोएट्री में इंडियन पीपल, कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में बताते थे एंड उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोएट्री कहा जाता है। इस पोएम में उन्होंने एक प्रोफेसर के बारे में बताया जो कि अपने एक ओल्ड स्टूडेंट से मिलता है। ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें कि वन वे कॉन्वर्जेशन होती है। इसमें लिसनर जरूर प्रेजेंट होता है बट वो म्यूट स्पेक्टेटर होता है। इस पोएम में कोई भी पर्टिकुलर राइम स्कीम या मीटर को फॉलो नहीं किया गया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में से लिखा गया है। तो आइए अभी इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रोफेसर अपने एक ओल्ड स्टूडेंट से मिलता है एंड वो उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं प्रोफेसर सेठ हूँ, पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ाया करता था लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। एंड जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था तुम उनमें से एक हो। मैं अब चाहे रिटायर हो चुका हूँ लेकिन अभी भी मेरी हेल्थ गुड स्टेट में है। फिर वो उसे ये भी बताता है दैट हिज वाइफ इज नो मोर। तो आगे वो बोलता है कि भगवान की कृपा से उसके सभी बच्चे वेल सेटल्ड हैं। उसका एक बेटा सेल्स मैनेजर है एंड दूसरा बैंक मैनेजर, एंड उन दोनों के पास कार भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के सामने बोस्ट कर रहा है। आगे वो बताता है कि उसका थर्ड सन भी अच्छा काम कर रहा है, चाहे इतना अच्छा नहीं कर रहा। फिर वो अपने सन को डिफेंड करते हुए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, हर एक फैमिली में एक तो ऐसी ब्लैक शीप होती है, यानी कि हर एक फैमिली में सारे पर्सन तो एक जैसे नहीं होते। आगे वो बताता है कि उसकी डॉटर्स सरल एंड तरला भी मैरिड हैं एंड उनके हस्बैंड्स बहुत अच्छे हैं। एंड फिर वो बताता है कि उसके टोटल 11 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो अब वो अपने स्टूडेंट को बोलने का चांस देता है एंड उससे पूछता है कि तुम्हारे कितने चिल्ड्रन हैं। यहाँ पे इश्यूज कहा गया है बच्चों को और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर ये जानकर हंस रहा है कि उसके सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। फिर वो उसे कहता है कि वैसे भी आजकल लोग फैमिली प्लानिंग को लेकर अवेयर हैं और इसके अलावा जो भी समय के साथ चेंजेस आते हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे वो बोलता है कि चेंजेस तो पूरे वर्ल्ड में ही आ रहे हैं एंड इंडिया में भी, और ऐसे ही हमें प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। लोगों की जो मान्यताएं हैं यानी कि कंसेप्शंस, वो अब ख़त्म हो रहे हैं एंड नए विचारों का जन्म हो रहा है एंड ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है। आगे वो बोलता है कि मैं कभी कभी ही घर से बाहर निकलता हूँ ड्यू टू माय ओल्ड एज। मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाता, ना ही ट्रैवल कर पाता हूँ। तो अब यहाँ पे प्राउडी वे में वो बोलता है कि फिर भी मेरी जो हेल्थ है वो गुड स्टेट में है, मैं अभी भी फिट हूँ, मुझे कोई डिजीजेस नहीं है जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक, और मेरी बॉडी में पेन भी कभी कभी ही होता है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि उसने अपनी यूथ में अच्छी हैबिट्स अपनाई थी। फिर वो अपने स्टूडेंट से पूछता है कि उसकी हेल्थ कैसी है एंड उसे अच्छा लगता है ये सुनकर कि उसकी हेल्थ भी ठीक है। फिर वो अपनी एज के बारे में बात करता है कि अभी वो 69 का है एंड अगर उसकी हेल्थ ऐसी ही रही तो वो सेंचुरी ज़रूर क्रॉस कर जाएगा। फिर वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि जब तुम एक बच्चे थे तुम बहुत पतले थे, एक स्टिक के जैसे, लेकिन अब तुम स्ट्रांग लग रहे हो फिजिकली भी एंड सोशली भी। सोशली ऐसे हो सकता है कि सोसाइटी में उसकी पोजीशन अच्छी हो, उसका स्टेटस अच्छा हो, एंड फिजिकली भी वो हेल्दी लग रहा है। फिर वो उसे कहता है कि वैसे ये एक जोक था, लेकिन जोक कैसे था वो तो स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुम्हें फिर कभी यहाँ पर काम पड़े तो तुम मेरे घर में ज़रूर आना। फिर वो अपने घर की लोकेशन बताता है कि मैं इस घर के बैक साइड रहता हूँ। तो यहाँ पर ये पोएम हो जाती है ख़त्म। बहुत ही सिंपल एंड ईजी पोएम थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में होगी। और जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।